आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बावन कांग्रेस सांसदों की नेता चुनी गई सोनिया गांधी, राहुल बोले बीजेपी के लिए हम 52 सांसद ही काफी। बाबा रामदेव का तंज, तनाव में है विपक्ष, कपालभाति और अनुलोम विलोम करने की सलाह दी। मध्य प्रदेश में इजराइल की तर्ज पर होगा जल संरक्षण, छत्तीसगढ़ में पशुओं के लिए गोठान योजना हुई शुरू। डम्हो में बड़ा हादसा चला, खराब सड़क के कारण चलती बस के पहिए निकले, कई यात्री हुए घायल। और अभी गर्मी करेगी थोड़ा परेशान, एमपी में 20 तक दस्तक देगा मानसून। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बावजूद कांग्रेस के 52 सांसद लोकसभा में बैठेंगे। इन सांसदों की नेता सोनिया गांधी होंगी। दिल्ली में हुई कांग्रेस पार्लियामेंट पार्टी की बैठक में सोनिया गांधी को एक बार फिर से संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। नेता चुने जाने के बाद सोनिया गांधी ने अपने संबोधन में देश के 12 करोड़ वोटर्स को धन्यवाद कहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिले हैं और सोनिया गांधी ने इन्हीं वोटर्स को धन्यवाद कहा है। गौरतलब है कि इन दिनों कांग्रेस के अंदरूनी हालात सामान्य नहीं है और यह बैठक ऐसे समय हुई है जब राहुल गांधी अपने पद से इस्तीफे की बात कह चुके हैं। हालांकि कांग्रेस संसदीय दल ने अपना नेता चुन लिया है, लेकिन कांग्रेस के सामने समस्या यह भी है कि सदन में उसके पास इतने भी सांसद नहीं हैं कि उनके किसी नेता को लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष चुना जा सके। 543 सदस्यों वाली लोकसभा में कांग्रेस के 52 सांसद हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए 55 सदस्यों की जरूरत होती है। इस हिसाब से देखें तो कांग्रेस के पास इस पद के लिए 3 सांसदों की कमी है। हार के बाद राहुल गांधी ने कहा हम 52 सांसद ही बीजेपी के लिए काफी हैं, इंच इंच लड़ेंगे। राहुल गांधी ने वोटरों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सभी कांग्रेस सदस्यों को यह याद रखना है कि हम सब संविधान के लिए लड़ रहे हैं और बिना किसी भेदभाव के हर देशवासी के लिए लड़ रहे हैं। राहुल ने कहा कि हमें मजबूत और आक्रामक रहना होगा। राहुल गांधी कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा हमें आक्रामक और मजबूत बने रहना होगा, हम 52 सांसद ही बीजेपी से लड़ने के लिए काफी हैं। संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने वोटरों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सभी कांग्रेस सदस्यों को यह याद रखना है कि हम सब संविधान के लिए लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बेहद कम सीट जीतने के बावजूद राहुल ने ताकतवर होने का एहसास कराया और कहा कि हम 52 सांसद हैं और मैं गारंटी देता हूं कि ये 52 ही बीजेपी से इंच इंच लड़ने के लिए काफी हैं। इस बैठक में नेता विपक्ष को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन यह जिम्मेदारी सोनिया गांधी पर छोड़ दी गई। यानी लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से नेता विपक्ष कौन बनेगा यह तय करने की जिम्मेदारी सोनिया गांधी को दी गई है। बाबा रामदेव ने कहा कि इस समय विपक्ष बहुत तनाव में है, इसीलिए विपक्ष के नेताओं को नियमित कपालभाति करना चाहिए। बाबा ने कहा विपक्ष के नेताओं को अब कपालभाति की आदत डाल देनी चाहिए। योग गुरु बाबा रामदेव ने लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं को अपने तनाव पर नियंत्रण पाने के लिए अगले 10 से 15 साल तक कपालभाति करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आर्थिक, काल्पनिक और सांस्कृतिक दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि अमित शाह, पीयूष गोयल और नितिन गडकरी सहित जिन सभी ने मंत्री के रूप में शपथ ली है वे लोगों की उम्मीदों को पूरा करेंगे और इसके लिए ये अगले 5 वर्षों तक वे कठिन परिश्रम करेंगे। बाबा ने कहा कपालभाति से बड़ा तनाव दूर हो जाता है, वैसे भी इसे करना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले 10-15 वर्षों के लिए जो विपक्ष के नेता हैं उनको काफी कपालभाति, अनुलोम विलोम और गीता पाठ करना पड़ेगा, तभी जाकर के अपना
स्ट्रेस कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन ये भारत के लिए शो। नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में इसराइल की तर्ज पर जल संरक्षण का कार्य किया जाएगा। प्रदेश के 378 नगरीय निकायों में जल ऑडिट कराया जाएगा। इसकी रिपोर्ट के आधार पर इसराइल से मदद लेकर पेयजल के संकट को दूर किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 378 नगरीय निकायों में रोजाना पीने के पानी की सप्लाई के प्रोजेक्ट्स में इसराइल की तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने बताया कि पेयजल आपूर्ति में रिसाइकलिंग और वाटर मैनेजमेंट तथा कंजर्वेशन और वाटर ट्रीटमेंट में इसराइल की तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। जयवर्धन सिंह ने कहा कि इसराइल जल संरक्षण के क्षेत्र में विश्व में सबसे आगे है। यहाँ कम वर्षा के बावजूद पानी की बेहतर उपलब्धता है। नगर निगमों में इजराइल के सहयोग से जल प्रबंधन की शुरुआत की जा सकती है। जयवर्धन ने बताया कि स्थानीय पेयजल परिवहन के लिए 500 इलेक्ट्रॉनिक बस खरीदने की योजना है। इजराइल इसकी टेंडर प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। हम वर्तमान में हमने फैसला लिया है कि हम पूरे 378 नगरों में एक वाटर ऑडिट करवाएंगे, जिसके माध्यम से हमें ये जानकारी मिले कि वर्तमान में प्रति शहर में पानी की क्या स्थिति है, हफ्ते में कितनी बार नल आता है, कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे नगर हैं जहाँ पर ज़्यादातर वो नगर अभी भी टैंकरों पर निर्भर है, जहाँ पर डोर टू डोर कनेक्शन अभी तक ठीक से नहीं हो पाई है, या फिर जहाँ पर कनेक्शन तो हो गई है लेकिन पानी का स्रोत ही नहीं है 12 महीने के लिए। तो ये पूरा हम ऑडिट करवाएंगे और जो भी ऐसी इजरायली कंपनीज हैं जिनके पास वाटर सेविंग्स का और बेटर वाटर सप्लाई के सबसे जो आधुनिक उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, उनसे भी हमारी मीटिंग्स मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द फिक्स होगी, जिसके द्वारा हम वही टेक्नोलॉजी जो इसराइल में है वही हम यहाँ मध्य प्रदेश में भी अपना सके, ये हमारा प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक बसों के उत्पादन सहित इसराइल अन्य उद्योगों भी लगा सकता है। गौरतलब है कि इसराइल में पानी की सालाना मांग 2000 मिलियन क्यूबिक मीटर है। इसमें से करीब आधे हिस्से की खपत खेती में होती है। इसराइल के पास थर्ड जनरेशन जल शोधन संयंत्र उपलब्ध है, जिसमें बर्बाद हो चुके पानी का 75% हिस्सा रिसाइकल करने में इसराइल को कामयाबी हासिल हुई है। खारे पानी को मीठा बनाने में इसराइल विश्व में अग्रणी देश है। बस्तर जिले के भौंड पंचायत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य सरकार की गोठान योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत गोठान में 1000 से ज्यादा गायें एवं जानवरों को रखने की व्यवस्था की गई है, जिनके खानपान का प्रबंध सरकार करेगी। भौंड पंचायत में राज्य सरकार की गोठान योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया। इस योजना के तहत 5 से 7 गांव के सभी जानवरों को इस गोठान में रखा जाएगा। गोठान में इन जानवरों को खाने के लिए घास और पीने के लिए पानी की व्यवस्था होगी। एक गोठान में 1000 से ज्यादा गाय एवं अन्य जानवरों को रखने की पर्याप्त व्यवस्था होगी। सरकार की योजना के तहत पहले गाय जानवरों के गोबर से खाद बनाई जाएगी, जिसकी बिक्री से जो आमदनी होगी उसे इन जानवरों की देखरेख में लगाया जाएगा। गायों और जानवरों के खान पान में इन जानवरों के मालिकों का भी योगदान लिया जाएगा। इस मौके पर इससे संबंधित चौपाल भी लगाई जाएगी, जिसमें ग्रामीणों को इस योजना की जानकारी दी जाएगी। सरकार की योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के अंतर्गत गोठान का निर्माण करने का जो हमारी योजना थी, उसमें हमारे ज़िले में 7 मॉडल गोठान लिए गए थे, उसमें से बस्तर ब्लॉक के लिए भोंड में गोठान लिया गया है। यहाँ पे इस गांव में इस जगह पे 4 पारों के पशु आते हैं, करीब 560। पूर्व में ऐसा होता था कि पशु को चरवाने के लिए धान के सीज़न में गांव के लोग खुद जाया करते थे, तो कोशिश ये की गई है जहाँ पे गायें एक जगह एकत्रित हो सके, हमारे द्वारा यहाँ पानी की व्यवस्था की गई है, उधर नेपियर ग्रास लगाया गया है ताकि पैरे की व्यवस्था हो जाए, और साथ में गांव की सहमति से भी ये तय हुआ है, जहाँ पे गांव वाले बोल रहे हैं कि गांव चरवाहा के लिए पेमेंट का और दान से पैरा, जिससे कि गायें को यहाँ पर चारा पानी मिलेगा, पशुपालन विभाग एक जगह पे आके टीकाकरण और अन्य सभी समस्याओं का समाधान कर सकेगा और लोग अन्य कामों के लिए समय मिलेगा, आय बढ़ेगी। रीवा में एक रिटायर्ड बाबू के घर लोकायुक्त पुलिस ने छापा मारा। रिटायर्ड बाबू के नाम 2 आलीशान मकान के अलावा 46 लाख कीमत का अन्य सामान भी मिला है।
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में लोकायुक्त ने तहसील ट्रेजरी में बाबू के पद से रिटायर विष्णु नारायण तिवारी के दो ठिकानों पर आज सुबह छापा मारा है। शुरुआत आरोपी बाबू के त्योथर के पचामा में मौजूद घर से हुई। इसके अलावा एक टीम त्योथर तहसील के कुठिला गांव भी पहुंची, वहां भी बाबू के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई हुई। लोकायुक्त एसपी ने बताया कि जांच के दौरान अब तक जमीन में भारी निवेश से जुड़े कागजातों के अलावा कुठिला गांव और त्योथर के पचामा में दो आलीशान मकान मिले हैं। इसके अलावा घर से सजावट का महंगा सामान भी मिला है, जिसकी कीमत की गणना चल रही है। वहीं बैंक पासबुक भी खंगाली जा रही है। अब तक कुल 46 लाख का सामान मिला है। आरोपी बाबू के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत लोकायुक्त में की गई थी, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस की 30 सदस्यीय टीम आरोपी बाबू के ठिकानों पर पहुंची। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और खबरों को आगे बढ़ाते हुए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सेवा दल नए रूप में दिखने के लिए प्रयास करेगा। सेवा दल की पैठ आमजन के बीच में बनाने के लिए इसके प्रयास तेजी से किए जाएंगे। 16 जून को सेवा दल के नेता इसका खाका पेश करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस सेवा दल की बैठक, जिसमें सेवा दल को कैसे मजबूत बनाया जाए इस पर चर्चा की गई। बैठक में सेवा दल के सभी जिला पर्यवेक्षक मौजूद रहे। सभी से कहा गया कि 11 जून को फिर सेवा दल की बैठक होगी। आगामी दिनों में संगठन को कैसे आगे बढ़ाएं, सेवा दल नए रूप से कैसे दिखे, इसका खाका आगामी बैठक में तय होगा। बैठक में कहा गया कि पर्यवेक्षक नए दिशा निर्देश पर काम करेंगे। सेवा दल नेताओं ने कहा कि दल की साख मजबूत करने और कांग्रेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अब अथक परिश्रम किया जाएगा। भीषण गर्मी से इस दौर में प्री मानसून बारिश होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में मानसून 20 तक दस्तक देगा और इसके बाद ही लोगों को गर्मी से राहत मिल सकेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस समय सामान्य बारिश होगी। मौसम विभाग ने इस साल मध्य प्रदेश में सामान्य बारिश की संभावना जताई है। वैसे पूरे भारत में इस साल मानसून सामान्य या औसत रहने के ही आसार हैं। हालांकि इससे एशिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के कृषि उत्पादन और आर्थिक विकास दर पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश समेत मध्य भारत में सामान्य बारिश की संभावना अधिक है, लेकिन इस बार उत्तर और दक्षिण में मानसून सामान्य से कम रहने की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार को बयान जारी करके कहा है कि मानसूनी वर्षा लंबी अवधि का औसत LPA 96% रहने की उम्मीद है। क्षेत्रवार मानसूनी बारिश का आंकलन करें तो उत्तर पश्चिम भारत में LPA का 94% रह सकता है, जबकि मध्य भारत के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और छत्तीसगढ़ में LPA की 100% बारिश होगी। MP में 20 जून के आसपास मानसून के आने की उम्मीद है। स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार केरल में 4 से 5 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना है। नौतपे से लोगों का हाल बेहाल है। प्रदेश में 15 शहर ऐसे हैं जिनका तापमान 45 डिग्री से अधिक चल रहा है। रीवा जबलपुर की माने तो रीवा जबलपुर में तापमान 46.8 डिग्री पहुंच गया, जो कि 119 साल में यह पहली बार हुआ है कि जब तापमान इतना ज़्यादा हुआ है। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। तालाब सूख गए हैं, पानी की कमी बताई जा रही है। शहर में भी 3 दिन पानी छोड़कर आता है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि 20 जून को मानसून दस्तक देगा और 20 जून के बाद ही थोड़ी बहुत राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि थोड़ा बहुत बूंदाबांदी के कारण प्रदेशवासियों को राहत मिल सकती है, लेकिन फिर भी अभी 20 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। मानसून आने में अभी समय लगेगा, लेकिन कुछ जगह अभी प्री मानसून बारिश होना शुरू हो गई है। MP के नीमच में आज हुई प्री मानसून बारिश ने मौसम के मिजाज में थोड़ी नरमी ला दी है।
मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। पचमढ़ी को छोड़ दें तो प्रदेश के लगभग सभी बड़े शहरों में पारा 42 डिग्री के पार चल रहा है। उस पर से गर्म हवाओं के थपेड़ों ने भी लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इस सब के बीच नीमच के लोगों को जरूर आसमान से बरस रही आग से थोड़ी राहत मिली है। यहां आधे घंटे तक ओले के साथ तेज बरसात हुई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। तेज बारिश की वजह से कई स्थानों पर पेड़ भी उखड़ गए हैं। अचानक हुई बारिश की वजह से नीमच मंडी में रखा गेहूं भीग गया है। एमपी के दमोह में उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब अचानक एक चलती बस के टायर निकल गया। जब यह हादसा हुआ बस रफ्तार में नहीं थी, लेकिन गनीमत रही कि इस घटना में मुसाफिरों को ज्यादा चोटें नहीं लगी हैं। दमोह में एक बड़ा बस हादसा उस वक्त टल गया जब तेजगढ़ से तेंदुखेड़ा की तरफ जा रही यात्री बस के दो पहिए खुल गए। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। हादसा पिडराई पाजी के पास हुआ जब अचानक तेज रफ्तार बस की एक तरफ से दोनों टायर खुल गए। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बस की रफ्तार ज्यादा नहीं थी, वरना बड़ा जनहानि हो सकती थी। हादसे के बाद लोग बदहवास नजर आए और बस से दूर भागने लगे। कुछ लोगों को इस हादसे में मामूली चोट आई है। बस में सवार यात्रियों ने बताया कि इस मार्ग पर सड़क की हालत काफी खराब है। जगह जगह गड्ढे हैं जो इस तरह के हादसों की वजह बन रहे हैं। इस हादसे में घायल हुए लोगों को पास के स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया है। छतरपुर के चंदला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की लापरवाही के चलते प्रसव के दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई। शिशु के परिजन का आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात स्टाफ की लापरवाही के कारण बच्चे की मौत हुई है। छतरपुर के चंदला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की लापरवाही के चलते प्रसव के दौरान नवजात शिशु की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल नरसिंहपुर गांव से आई प्रसूता को प्रसव के लिए चंदला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स ममता सोनी और मिथिला खरे ने पहले डिलीवरी के नाम पर 500 रुपए ले लिए और उसके बाद उनकी ही लापरवाही के चलते प्रसव के दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई। घटना के बाद से परिजन जहां खासे परेशान है, वहीं उन्होंने इस लापरवाही की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में भी की है। परिजनों का कहना है कि दोषी कर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मामला संज्ञान में आने के बाद अधिकारी जांच कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। वैसे अभी जानकारी ऐसी कुछ मिली नहीं है, फिर भी आपके द्वारा अवगत कराया गया है। सीएमएचओ से इस संबंध में बात करेंगे और कहीं कोई कमी है किसी की कमजोरी की वजह से लापरवाही से अगर ऐसा हुआ होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रीवा जिले में पुलिस और परिवहन विभाग की सांठगांठ के चलते ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। पुलिस और परिवहन विभाग को पैसा देकर चलने वाले इन वाहनों से सड़क की हालत खराब होने के साथ ही आए दिन हादसे हो रहे हैं। रोड पर लगने वाले थानों और पुलिस चौकियों पर खुलेआम एंट्री के नाम पर रुपए लेकर गिट्टी बालू रेत से भरे ट्रकों को बैरियर पार कराया जा रहा है। रीवा में अवैध वसूली का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस और आरटीओ विभाग की अवैध वसूली और मनमानी के चलते ओवरलोड वाहन धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ओवरलोडिंग की वजह से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़कों का भी बुरा हाल है। गांव की सड़कें जर्जर होती जा रही हैं। इसके बावजूद प्रशासन, अनुविभागीय अधिकारी और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विभाग के अधिकारियों ने जैसे मौन धारण कर लिया है। गौरतलब है कि माल से भरे ट्रकों को यूनिवर्सिटी बाईपास टोल टैक्स नाके से निकालकर चाकघाट होते हुए मध्य प्रदेश बॉर्डर क्रॉस करा के प्रयागराज पहुंचाया जाता है। ऊपरी कमाई के चलते आरटीओ रोड पर पड़ने वाले थाने और पुलिस चौकियों पर खुलेआम एंट्री के नाम पर रुपए लेकर इन गिट्टी बालू रेत से भरे ट्रक और ट्रालों को बैरियर पार करा दिया जाता है। ओवरलोड कारण धूल मिलती है, प्रदूषण बहुत ज्यादा है और ये आए दिन हर 10 मीटर में जाम लगता है और जितनी रोड बनती जा रही है वो सब खत्म होती जा रही है। ठीक है, ओवरलोड के कारण। अभी आपको देखना है तो आप देख लीजिए जाके सगरा के आगे, यहाँ ये डामर रोड बनी है वहाँ खत्म हो गई बनने के बाद, तो ओवरलोड बंद होना चाहिए। ओवरलोड रहते हैं तो पैसा लेके निकलवा दिया जाता है। कौन पैसा लेता है? सैलेन सिंह है, राजेश शर्मा, ये आरटीओ दलेरी और ट्रैफिक थाना प्रयास किए, क्या करें अब उनसे बढ़ के थोड़ी कोई है, पुलिस से बढ़ के थोड़ी कोई होता है, कौन भिड़ेगा उनसे।
आरटीओ के दलाल और घूसखोर पुलिस वाले ओवरलोडिंग के इस खेल के प्रमुख हैं। कागजों में परिवहन का प्रतिशत ज्यादा दिखाने की कोशिश की जा रही है ताकि सब कुछ सही बताया जा सके। जिले में परिवहन विभाग की मिलीभगत से प्रतिमाह सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। रथरा टोल प्लाजा और रायपुर जुगनाही स्थित टोल प्लाजा से हजारों ओवरलोड ट्रक गुजरते हैं। यहाँ लोग सीसीटीवी कैमरे में हर दिन ओवरलोड वाहनों के गुजरने की फोटो कैद होती है, लेकिन प्रशासन से लेकर पुलिस और आरटीओ महकमे में इस पर अंकुश लगाने की कोई पहल नहीं है। इस किस्म की अवैध वसूली को लेकर शासन और प्रशासन दोनों सवालों के घेरे में है। देखिए, समूचे रीवा जिले में परिवहन की अवैध वसूली हो रही है, क्योंकि जो बाईपास है, बाईपास में अवैध तरीके से गिट्टी लदे हुए ट्रक उत्तर प्रदेश जाते हैं। उत्तर प्रदेश जाते समय वह गांवों के रास्ते होकर उनकी निकासी की जाती है। आरटीओ विभाग की लापरवाही के चलते प्रक्रियाएं होती है। आरटीओ विभाग की एक फिक्स है, रेट फिक्स है, जिससे ऐसे लोगों को, ऐसे ट्रकों को वहां से परिवहन यात्रा के लिए छूट दी जाती है समय थानों के द्वारा। इससे पूरे समूचे गाँव के जो व्यवस्थाएँ हैं वो ध्वस्त हो रही हैं और आवागमन बाधित हो रहा है। जो सड़क बने हैं पूर्णतः नष्ट हो रहे हैं। जो सड़कें 6 साल 10 साल चलनी चाहिए वो महज 1 साल 6 महीने भी नहीं चल पा रही हैं। इसकी ये पूर्णतः लापरवाही आरटीओ विभाग की है और साथ में समय थानों की है। थानों के द्वारा वो अवैध वसूली की जा रही है, उन ट्रकों से वसूली की जा रही है। दिन में प्रतिदिन मैं ये मानता हूँ कि 24 घंटे में अवैध तरीके से हजारों की तादाद में ट्रक निकलते हैं, जिससे वसूली परिवहन विभाग के द्वारा की जा रही है, आरटीओ विभाग के द्वारा की जाए। इनके विरुद्ध संबंधित समय थानों के विरुद्ध इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। पवित्र माह रमजान के मौके पर संत हिरदाराम नगर में अलविदा जुमा के अवसर पर व्यापारियों ने सामूहिक रोजा इफ्तारी का आयोजन किया। इससे बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। संत नगर के बस स्टैंड में सभी व्यापारियों ने सामूहिक रूप से रोजा इफ्तारी का आयोजन किया। यहां हिंदू मुसलमान सभी लोगों ने एक साथ मिलकर रोजा इफ्तारी की। इस रोजा इफ्तारी के आयोजक निजामुद्दीन ने बताया कि पिछले कई वर्षों से रमजान के मौके पर रमजान के आखिरी जुमे पर प्रमुख रूप से रोजा इफ्तारी रखते हैं। आज हमारे निजाम भाई साहब की तरफ से रोजा इफ्तारी का अच्छा प्रोग्राम रखा गया था और हमारे बैरागढ़ में इस तरह की गंगा और जमनी तेज़ी चलती रहे और हम हिंदू और मुस्लिमों में भाईचारा बना रहे, इसलिए मैं निज़ाम भाई का धन्यवाद देता हूँ जो उनने सभी को इनवाइट किया रोजा अफ्तारी के लिए। देखिए, ये 5 साल से लगातार लग रहा है हम लोग और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मिलकर ये रोजा अफ्तार का आयोजन रखते हैं और सभी मिलकर एक साथ रोजा अफ्तार करते हैं और वो भी ये हमारा बहुत ही पाक महीना माना जाता है। इसमें हम किसी से कोई भेदभाव नहीं रखते और सबसे पहले तो हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं दिखाता आपस में बेर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो ये एकता का प्रतीक है कि सभी हिंदू मुस्लिम सबने साथ में मिलकर रोजा इफ्तार किया। हर माह की पहली तारीख को होने वाला वंदे मातरम गीत का गायन भोपाल में मंत्रालय के सामने पार्क में संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ गृह मंत्री बाला बच्चन, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। हर माह की पहली तारीख को गाया जाने वाला राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन मंत्रालय के सामने पार्क में बैंड बाजे के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर कमलनाथ के साथ गृह मंत्री बाला बच्चन, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वंदे मातरम 13 साल से हर माह की पहली तारीख को गाया जाता है। प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनने के बाद इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन जब इस पर सियासत बढ़ी तो सरकार ने वंदे मातरम का गायन बैंड बाजे के साथ चालू करने की बात कही। बड़ी संख्या में मौजूद कर्मचारियों ने मंत्रालय के सामने वंदे मातरम गीत का गायन किया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब बहरन समाचार सुनाएंगे आपको जर्जर भोपाली। नमस्कार, बहरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। वो कल्याण भाई, मौसम तो ऐसा भन्नाट हो रही है, 45 डिग्री पहुंच रही है टेम्परेचर। बता रहा हूँ, अंडा है ना डालो खोपड़ी पे, आमलेट बन जाती 2 मिनट में। ऐसा मौसम हो रहा है। वो आज मैं मौसम की खबरों से शुरुआत कर रहा हूँ। ये स्कॉटलैंड में देखो धूप की कमी हो रही है लोगों को,
हाँ, वहाँ को विटामिन डी के कैप्सूल लेने पड़ रहे हैं उनको। मैं बता रहा हूँ उनको टूरिज्म पे यहाँ ले आओ इंडिया में, ऐसे बिलबिला जाएंगे बताए, ओवरडोज हो रहा है हमारा तो विटामिन डी का। हाँ, ये खबर ये देख लो, सिडनी में है ना जल संकट हो रहा है, वहाँ भी नल है ना खुला छोड़ दो, 26,000 तक का जुर्माना लग रहा है। हमारे यहाँ तो ये पाइप फूटे रहते, नल की बात छोड़ो, भलल भलल करके बेहतर रहता है। मैं बता रहा हूँ पानी की इज्जत करो, आगे है ना कैप्सूलों में मिलेगा पानी, बता रहा हूँ। हाँ, वही राहुल गांधी को देख लो, ये बहुत अच्छे एक्टर हो गए आजकल। सोनिया गांधी का मेरे पास फ़ोन आया था, उन्हें बोला मेरे को बहुत मेच्योर हो गए हैं, अब ये परिपक्व हो गए हैं, वो नेता बनने के लिए पहले अभिनेता बनना पड़ता है, वो अभी देखो रूठे रूठे फिर रहे हैं, अभी इसको डांट रहे हैं, कभी उसको डांट रहे हैं, अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाह रहे हैं। हाँ, ये चल रहा है, बता दो मेच्योर हो गए भैया आप। हाँ, वही अमित शाह इनको कैलाश विजयवर्गीय को देखो, बुलडोजर लेके है ना पश्चिम बंगाल में घुस गए, बता रहे हैं ऐसी स्वच्छ भारत अभियान 2 शुरू कर दिया इनने, पश्चिम बंगाल से शुरुआत कर दी, 2 TMC के MLA वो 50-65 तोड़ लिए, अब ममता बनर्जी भुनभुनाती फिर रही है, बता रही हूँ। हाँ, ये तो चल रहा है, वो आप देखो ये WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने ना ऑफिस में ज़्यादा काम करने को जो थकान होती है उसको बीमारी माना है, उसका नाम दिया उन्होंने वर्न आउट। और मैं बता रही हूँ देखो बच्चों को यदि 12-12, 14-14 घंटे रगड़ते रहते हो, ये प्राइवेट कंपनियाँ, मैं इनको बोल रहा हूँ, मैंने इनको थोड़ा राहत दो, बता रही हूँ ये बर्न आउट हो जाएगा बेचारों को। हाँ, ये खबर इधर पे देख लो, जहरीली शराब से 16 लोग मर गए। अब मेरा कहना है कि जो शराब बनाती हैं इनको पहले टेस्ट कराओ, इनके मुंह में है ना 2-2 बोतलें ठूसो, तब इनको समझ में आएगा क्या होता है जहरीली शराब बनाना, ये ऐसा तो चल रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार तो भैया तबादलों की सरकार हो गई, रोज सुबह खबर आ जाती है तबादला। अब मेरे समझ नहीं आता इनको और कोई काम नहीं बचा गया, ये दूसरा काम भी तो है कि वह तबादला तबादला। और ये खबर ये देख लो, हमारे जो रजनीकांत जी हैं फिल्म स्टार, ये कह रहे हैं मोदी को एक करिश्माई नेता है, मोदी जी बड़ी तारीफ कर रहे हैं इनकी, बोले नेहरू के समान करिश्माई नेता है। मैं कह रहा हूँ आप तो क्या कम करिश्मे करते हो फिल्मों में, कभी सिगरेट इधर से उछालते हो उधर जाके कान पे आके टिक जाती है, बता रहे हो ये सब तो चल रहा है, ये से वो अभिनेता है। और मैं भी भैया आप चला कुछ करिश्मा करने, नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।